उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में चोरी की एक रोचक घटना सामने आई है। दीपावली के बाद कुछ चोरों ने यहां के एक पोल्ट्री फार्म पर हमला बोला और यहां से 3-3 किलो के 400 मुर्गे चोरी कर लिए। जिन मुर्गों की चोरी हुई वो इसी जाली के अंदर रखे थे, जिन्हें चोरों ने जाली काट कर यहां से निकाल लिया और भाग निकले। बताया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म के मालिक के तहरीर पर यहां की स्थानीय पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। जिस स्थान पर यह घटना हुई है वहां से कुछ दूरी पर कन्नौज की पुलिस लाइन है। पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि पुलिस लाइन के कर्मचारी यहां पर लगातार गश्त करते थे, इसके बावजूद भी कन्नौज में ये बड़ी घटना हो गई। कन्नौज की इस घटना को लेकर पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने यह कहा है कि चोरों की तो दावत हो गई। लोगों ने लिखा है कि 400 मुर्गे चोरी होने के बाद चोर अब इसकी दावत करेंगे, ये तो बढ़िया इंतजाम हो गया। नाम है आपका? हमारा नाम निहाल जी। निहाल जी, आपके यहाँ चोरी हुई है, लगभग कितनी चोरी हुई, क्या क्या यहाँ गायब हुआ है? चोरी जो हुई है यहाँ पर हमारे दाने की बोरियां 20-25 लगी हुई थी, वो गायब हो गई। और गायब होने के बाद में इसमें हमारे पंखे रखे हुए थे और अन्य सामान, खेती की सामग्री रखी हुई थी, वो सब उठा ले गए हैं। और उम्मीद है कि करीबन 300-400 बच्चा मुर्गा जो है 3 किलो साइज का पड़ा हुआ है, ये भी ले गए हैं। चोर किस तरह से चोरी किया? सेंध लगाया था कहीं पर? सेंध क्या, एक जाली तोड़ के अंदर घुस आए हैं। लगभग अंदाजा क्या नुकसान का? अंदाजा एट समथिंग जो पंखों को सबको मिला के 20 बोरियों का मूल्य जो है वो करीबन ये मान चलो 42,000 रुपये समथिंग है। और मुर्गा जो है करीबन 300-400 मुर्गा जो है उसको खाली कर दिया है। 1,00,000 रुपए का नुकसान है। जी। अच्छा, ये आपकी जो आड़त है किस जगह पर है? ये पुलिस लाइन के बिल्कुल ही समीप है। अच्छा, पुलिस लाइन के पास में यहाँ पर हर वक्त गश्त भी होती होगी? रात में 24 घंटे पुलिस यहाँ निकलती बैठती रहती है। तब भी पुलिस को नहीं लगा यहाँ पर चोरी हो रही है मुर्गे कुछ से? अब पुलिस वाले वो अपने 240 की स्पीड में इधर से चलते हैं रात संबंध में, तो इधर उधर नहीं देखते। अभी तक कोई तहरीर दी आपने कि नहीं दी? नहीं, अभी तहरीर अभी किया है तो उन्होंने कहा 10 बजे हमारे कोतवाली में आइए और आपके थाना और उसके जो चौकी जो इंचार्ज है आपके पसंद है आपके, फिर आगे देखता हूँ क्या कर रहे हैं। कन्नौज की इस घटना को लेकर जहाँ मजेदार रिएक्शंस हैं, वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक ने पुलिस से इस मामले को लेकर शिकायत की है और ये कहा है कि जिन लोगों ने चोरी की है उनसे सामान की रिकवरी कराई जाए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।